मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 24th of August 2022। आइए देखते हैं कि कल क्या एक्टिविटीज हुआ है और फ्रॉम हियर यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी है 108.75। कल हमने एक पॉज देखा है एट द टॉप एंड कल का जो मूवमेंट था वो 109.27 एंड 108.07 के बीच में था। थोड़ा सा पॉज ऑन द टॉप, दैट इज आपका जो रिसेंट स्विंग हाई है, दैट इज 109.29। वहां पे जस्ट डबल बॉटम बनाया हुआ है, डबल टॉप बनाया हुआ है। अभी हमें देखना है कि आने वाले दिनों में कि ये रेंज को कन्विंसिंगली ब्रेक करता है तो हमें एक देखना पड़ेगा 109.50 से 110.00 एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लेवल से, उसको कितना कन्विंसिंगली डॉलर इंडेक्स रेस्पेक्ट करता है या ब्रेक करता है वो हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। बेसिकली अभी ज़्यादातर नज़र आपका जैक्सन होल्स फ्राइडे के मीटिंग के ऊपर है, वहाँ पे क्या नया पर्सपेक्टिव या कुछ फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता है या नहीं। डॉलर रुपी में हम देखेंगे कि कल एक पॉज कैंडल्स था। ये जो पॉज है मीन्स बेसिकली इंटरवेंशन टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट आर देयर। कल का जो एक्टिविटीज है इट ट्रेडेड इन बिटवीन 79.7150 एंड 79.9050 इसके बीच में था। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे इट्स ए बेसिकली ए रेजिस्टेंस एरिया। जो RSI का पैटर्न से प्राइस एक्शन का जो पैटर्न से प्राइस एक्शन ये डबल टॉप बनाने का कोशिश कर रहा है एंड ऑल्सो RSI इज टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60। तो यहाँ पे चार्ट इज इंडिकेटिंग सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी हमें यही देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे दैट इज सम सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो थोड़ा सा सॉफ्ट होने का एक्सपेक्टेशंस होगा। अदरवाइज द वे द डिमांड इज देयर तो 80.20 80.40 उस टेरिटरी में जाके ये रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। जीबीपी डॉलर बॉटम लेवल पे थोड़ा सा बेसिंग आउट करने का कोशिश कर रहा है बिकॉज व्हिच कल हमने देखा है कि ये ट्रेड किया है 1.1717 एंड 1.1878। तो यही इस जो जोन है यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिविटीज देखना पड़ेगा। बट अगर सडनली कुछ अप मूव आता है दोज अपोज मे बी कैपिटलाइज फॉर शॉर्ट सेलिंग। जीबीपी INR हम अगर देखेंगे जीबीपी INR में भी ये लोअर लेवल पे बेसिंग आउट करने का कोशिश किया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 94.65 ऑन द हायर साइड एंड 93.62 ऑन द लोअर साइड। ये जो जोन है आपका 93.30 to 93.60 ये एक अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन एक्सपेक्टेशंस है। तो यहाँ पे प्राइस को हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे प्रीवियसली इस लेवल से ऊपर गया दैट डजंट मीन कि यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जाएगा। ये सपोर्ट विल बी कंसीडर्ड एज अ सपोर्ट इफ इट इज रेस्पेक्टेड। सिमिलरली रेजिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड एज अ रेजिस्टेंस इफ इट इज रेस्पेक्टेड। यहाँ पे रेस्पेक्ट सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपका प्राइस एक्शन से कि यहाँ पे टाइम बिता के फिर ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं। अगर हम यूरो डॉलर का देखेंगे यूरो डॉलर में भी लोअर लेवल पे पेरिटी लेवल्स में ये बेस आउट करने का कोशिश कर रहा है बिकॉज ऑफ व्हिच इट ट्रेडेड इन बिटवीन 0.9899 एंड 1.0018 अभी है 0.9947। यहाँ पर भी वही लोअर लेवल पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा लेकिन द वे द इकोनॉमिक स्लो डाउन इज गोइंग ऑन द एनर्जी क्राइसिस कंसर्न इज गोइंग ऑन इन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज यूरोपियन यूरोजोन कंट्रीज। तो यहाँ पे एनी अपटिक में बी सोल्ड रेदर देन बाइंग ऑन द बॉटम। यूरो INR अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक इनडिसिशन कैंडल बनाया हुआ है एट द बॉटम एंड बिकॉज ऑफ विच ट्रेडेड इन बिटवीन 79.10 एंड 79.90। यहाँ पर भी हमें सेल आप ठीक से करना पड़ेगा रेदर देन बाइंग ऑन द डिप। बॉटमिंग आउट का कोई अभी एट द मोमेंट कोई सिग्नल दिख नहीं रहा है। सो अगर कोई लोअर टाइम फ्रेम में एक अपटिक मिलता है तो शॉर्ट सेलर्स कैन टेक द अपॉर्चुनिटी।
अगर डॉलर येन देखेंगे, डॉलर येन आपका कल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने का कोशिश किया है, बिकॉज ऑफ विच ई ट्रेडेड इन बिटवीन 137.70 एंड 195.80। अभी हमें देखना है कि ये हाई को तोड़ता है, कल का हाई को तोड़ता है या लो को तोड़ता है। अगर कल का हाई को तोड़ता है तो फिर दोबारा जो स्विंग हाई है उसको टेस्ट करने का कोशिश करेगा। अगर लो को तोड़ता है तो थोड़ा सा सॉफ्ट होने का एक्सपेक्टेशंस है। अगर येन आईएनआर देखेंगे, येन आईएनआर में यहाँ पे लोअर लेवल पे थोड़ा सा कल एक अच्छा खासा बाइंग देखा गया है, एंड बिकॉज ऑफ विच इट ट्रेडेड इन बिटवीन 0.5804 एंड 0.5864। तो यहाँ पर भी हमें एक हल्का सा इंडिकेशन है कि डेली में आरएसआई इज टेकिंग सपोर्टेड 40, लेकिन अभी भी वो जोरदार सपोर्ट नहीं है, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर कोई सेल ऑफ होता है, सेल ऑफ होने के बाद फर्स्ट बाइंग पे हमें लॉन्ग नहीं करना है। उसके बाद अगर एक नेगेटिव कैंडल आता है समथिंग लाइक दिस, आई विल शो यू, एक या दो तीन दिन का अगर एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे आता है, उसके बाद अगर एक आपका ग्रीन कैंडल आता है, ये एक नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद अगर एक इस टाइप का एक ग्रीन कैंडल बनाता है something like this, then it is the buy positions. तो पहला जो green candle कल बनाया था उसमें buying long positions करने का नहीं है, means for swing purpose, intraday purpose में तो anyone can buy at any level, anyone can sell at any level and make 20 pips, 30 pips or something like that. So उसका बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं positional buying का बात कर रहा हूँ। तो जब भी कोई fall आता है, fall के बाद first buying पे बाई नहीं करना है। इस टाइप का अगर फिर सेल ऑफ होने के बाद, एक दो दिन सेल ऑफ होने के बाद अगर ये रेड कैंडल का हाई को तोड़ता है, देन इन सच अ केस वी कैन गो लॉन्ग हियर। डॉलर कैंडी में हम देखेंगे, डॉलर कैंडी में कल अच्छा खासा करेक्शंस आया है, एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.3063 एंड 1.2933। ये फिर दोबारा कल का हमारा जो एनालिसिस था वही था कि देखना है कि ये थर्ड टाइम इज एबल टू सस्टेन अबव द रेजिस्टेंस लेवल और नॉट, ये जो टिपिकल रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर। तो हमने यही देखा है कि फिर दोबारा एक फॉल किया है, और यहाँ पे इस फॉल के बाद अगर कल के लो के नीचे ट्रेड होता है, देन वी कैन अगेन सी 1.2700 से 1.2750 की तरफ। ऑसी डॉलर में कल एक थोड़ा सा पॉजिटिव होने का कोशिश किया था, एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 0.6856 एंड 0.6963। लेकिन ये अगर कल के लो के नीचे ट्रेड करता है तो देर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये सेल ऑफ होने का एक्सपेक्टेशंस होगा। सीएनएच में देखेंगे, सीएनएच में कल एक थोड़ा सा अपर लेवल पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर, लेकिन अभी वही है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज का जो ग्रीन कैंडल है ये कहाँ पे बना रहा है, ये बना रहा है कि प्रीवियस स्विंग हाई। तो अभी ये आज का कैंडल या कल का कैंडल, टुमोरोज कैंडल, अगर यस्टरडेज 23 अगस्त का हाई को तोड़ दे देता है तो यहाँ पे एक नया हाई हमें देखने को मिलेगा। ब्रेंट ऑयल अच्छा खासा नीचे के लेवल से, 92 के नीचे वाला लेवल से अच्छा खासा करेक्शन दिया है, एंड ये जो इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा था 100.50 से 101 वहाँ पे आके अटका हुआ है। अभी हमें देखना है कि ये इमिडिएटली ऊपर की तरफ जाता है या थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास करता है। अगर इमीडिएटली ये ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 107.60 के आसपास होना चाहिए। 10 ईयर वेस्ट ट्रेजरी यहाँ पे अच्छा खासा एक बाउंस देखा गया 2 अगस्त ऑनवर्ड्स, एंड स्टिल इट इज मेकिंग नॉन स्टॉप हायर हाई हायर लो। तो यहाँ पे बाई डिप्स ही होगा जब तक ये हायर हाई हायर लो को डिस्टॉर्ट नहीं करता है, एंड लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन नहीं होता है, तब तक यहाँ पे बाई डिप्स ही चलेगा। तो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द माय दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशंस। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।